वेलकम बैक फ्रेंड्स. फ्रेंड्स हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन. ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्न उत्तर, लिखित एंड मौखिक और उसकी ग्रामर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम बिकॉज टाइम इज़ प्रीशियस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, अभी हम लिखित क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं. प्रश्न एक, गोनू झा के सामने गाय लाने की क्या मजबूरी थी? यहाँ पे जो प्रश्न है हमारा, दैट इज़ गोनू झा के सामने गाय लाने की क्या मजबूरी थी? तो यहाँ पे उत्तर है, अपनी पत्नी की जिद के कारण गोनू झा गाय लाने के लिए मजबूर थे. ओके, यहाँ पे जो हमारा उत्तर है वो है, अपनी पत्नी की जिद के कारण गोनू झा गाय लाने के लिए मजबूर थे. प्रश्न दो, गाय खरीदने के बाद गोनू झा को क्या चिंता सताने लगी? यहाँ पे हमारा जो दूसरा प्रश्न है, दैट इज़ गाय खरीदने के बाद गोनू झा, यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे झा मिस हो गया है, लेकिन यहाँ पे गोनू झा ना था, गोनू झा को क्या चिंता सताने लगी? यहाँ पे जो हमारा उत्तर है वो है, गाय खरीदने के बाद गोनू झा को यह चिंता सताने लगी कि अब सैकड़ों बार गाय के बारे में गांव वालों के एक जैसे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे. अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट तीसरा जो क्वेश्चन है, दैट इज़ चिंता से छुटकारा पाने के लिए गोनू झा ने क्या सोचा? ठीक है, चिंता से छुटकारा पाने के लिए गोनू झा ने क्या सोचा. ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर है, चिंता से छुटकारा पाने के लिए गोनू झा ने यह उपाय सोचा कि सारे गांव वालों को इकट्ठा कर एक ही बार में गाय के बारे में बता दिया जाए, है ना. यहाँ पे जो हमारा उत्तर था वो है कि चिंता से छुटकारा पाने के लिए गोनू झा ने यह उपाय सोचा कि सारे गाँव वालों को इकट्ठा कर एक ही बार में गाय के बारे में बता दिया जाए. सो फ्रेंड्स अभी हम करने जा रहे हैं मौखिक प्रश्न उत्तर. ठीक है, तो यहाँ पे मौखिक प्रश्न उत्तर का फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ गोनू झा कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे था है, गोनू झा कौन था? तो यहाँ पे जो उत्तर है इसका, दैट इज़ गोनू झा एक विदूषक थे. गोनू झा एक विदूषक थे. सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक बार मैं दोबारा प्रश्न उत्तर एक बार रिपीट कर देती हूँ, गोनू झा कौन था? तो यहाँ पे उत्तर है, गोनू झा एक विदूषक थे. ठीक है, गोनू झा थे वो एक विदूषक थे. प्रश्न दो है, गोनू झा अपनी पत्नी की बात कैसे टालते रहे? यहाँ पे जो प्रश्न उत्तर है, दैट इज़ गोनू झा अपनी पत्नी की बात कैसे टालते रहे? तो यहाँ पे उत्तर है, गोनू झा अपनी पत्नी की बात तरह तरह के बहाने लगाकर टालते रहे, जैसे तुम्हें कौन सा गाय पालने का अनुभव है, जो गाय रखोगी. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा था, यहाँ पे इन्होंने लिखा था, गोनू झा अपनी पत्नी की बात तरह तरह के बहाने लगाकर टालता रहा, जैसे तुम्हें कौन सा गाय पालने का अनुभव है, जो गाय रखोगी, आदि. आदि मतलब कि और भी बहुत सारे. प्रश्न तीन, गोनू झा ने चोर चोर चिल्लाकर गांव वालों को क्यों इकट्ठा किया? गोनू झा ने चोर चोर चिल्लाकर, फ्रेंड्स यहाँ पे गांव वाले लिख दिया है गलती से, क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे दो बार गांव वाले आ चुका है, लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे गांव वालों को इसलिए इकट्ठा किया क्योंकि वह गांव वालों को अपनी गाय के बारे में बताना चाहता था, क्योंकि वो अपने जो अपनी गाय जिसने खरीदी थी सोनपुर के मेले से, उसके बारे में उन्हें बताना चाहता था. प्रश्न चार, गोनू झा ने अपनी गाय मिसप्रिंट हो गए, गाय के बारे में क्या क्या बताया? ओके, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे गोनू झा ने अपनी गाय के बारे में क्या क्या बताया? गोनू झा ने अपनी गाय के बारे में बताया कि उसकी गाय काली है, काफ़ी महंगी है, हष्ट पुष्ट और स्वभाव से बड़ी ही सिद्धि है. ठीक है, सिद्धि होता है बहुत ही ज़्यादा. यहाँ पे इन्होंने लिखा था, महंगी हष्ट पुष्ट और स्वभाव से बड़ी ही सीधी है. मतलब कि जैसे कुछ गाय होती है, अगर उनको परेशान करो तो वो लत मार देती है ना, लेकिन ये जो गाय थी वो बड़ी हष्ट पुष्ट थी, महंगी भी थी, काली रंग की थी, बहुत अच्छी थी, है ना, स्वभाव से बहुत अच्छी थी.
एक दिन का 5 सेर दूध देती थी आदि। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने विराम चिन्हों के जो उत्तर हैं वो यहाँ पे दे दिया है, लेकिन जो फर्स्ट क में है दैट इज़ कोटेशन मार्क। ठीक है, जो दो कामा होते हैं उनको कहते हैं हम कोटेशन मार्क। फ्रेंड्स, मैंने बाकी जो उत्तर हैं वो लिख दिए हैं, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने निर्मित प्रश्नों के उत्तर लिखो कर लिया है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। ठीक है, क पाठ है गोनू झा के परिवार का पेशा क्या था। तो आप लोगों को पता होगा कि जो गोनू झा था, हमने पार्ट 7 में इसका जो चैप्टर था वो डिस्कस किया था, तो आपको पक्का पता होगा कि क्या था उनका, दैट इज़ कथावाचक। गोनू झा ने कहा के मेले से गाय खरीदी थी, सोनपुर के मेले से। ठीक है, ग पाठ इज गोनू ने क्या चिल्लाकर गांव वालों को इकट्ठा किया, चोर चोर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हम आ गए हैं मूल, यहाँ पे मूल शब्द लिखो। ठीक है, क ये जितने भी शब्द लिखे हैं ना, इसका जो क है डैश क्या है, मूल्य। ख का है शिष्ट, जितने भी शब्द है वो किससे बने हैं, एक ही शब्द से बने हैं, शिष्ट। ख यहाँ पे ग है, ग जो है यहाँ पे है वो, यहाँ पे हमारा ग है दैट इज कृपा। ठीक है, जितने भी शब्द बने हुए हैं, ये जितने भी शब्द हैं वो एक ही शब्द से बने हैं, कृपा। नेक्स्ट इज ये जो भी शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं वो किससे बने हैं, जितने भी शब्द हैं वो इच्छा से बने हैं, है ना। ये जितने भी शब्द हैं वो किससे बने हैं, इच्छा से बने हैं। ठीक है, ये जितने भी शब्द हैं वो इच्छा से बने हैं, खाली एक शब्द इच्छा से बने हैं। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट इज द पार्ट, जितने भी शब्द हैं, ठीक है, जितने भी शब्द मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ, जितने भी शब्द हैं वो किससे बने हैं, एक ही शब्द से, अवश्य। अवश्य वो कितने, ये जो जितने भी शब्द लिखे हैं, ठीक है, ये किससे बने हैं, अवश्य से बने हैं। च पार्ट, ये जितने भी शब्द हैं, है ना, जितने भी शब्द हैं वो किससे बने हैं, ये भी जितने भी शब्द हैं वो इच्छा से बने हैं, ये जितने भी शब्द हैं वो कृपा से बने हैं, ये जितने भी शिष्ट वगैरह है वो उससे बने हैं, और जो ऊपर वाले हैं वो उससे बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो च पाठ था, जितने भी शब्द बने हैं वो किससे बने हैं, सीमा से। ठीक है, ये कृपा से बने हैं, जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये शिष्ट से और ये मूल्य से। ठीक है, सो अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे पढ़ो समझो और लिखो, दिन रात इज इक्वल टू दिन और रात, दो तीन दो या तीन, हरे 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 बहुत हरे, दो शब्द को जोड़ने या शब्द योग्म बनाने के लिए, और या यहाँ पे लिखा है अथवा आदि योजक शब्दों के स्थान पर, ये जो यहाँ पे ब्रैकेट में जो दिया है, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, है ना। यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो यहाँ पे वो चिन्ह दिखा रहे हैं, वहाँ पे ये वाले जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको प्रयोग समझ आ गया, किसका प्रयोग किया जाता है, इस वाले चिन्ह को प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह के कहते हैं उन्हें, क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। पाठ में से ऐसे शब्द चुनकर लिखो जो योजक चिन्ह से जुड़े हों, है ना, जैसे तर्कपूर्ण, है ना, तर्कपूर्ण ये है ना, कितना वो है यहाँ पे, मतलब आपको समझ आ गया कि जो तर्कपूर्ण है यहाँ पे, सिंपल जो यहाँ पे हमारा तर्कपूर्ण है, तर्कपूर्ण ये इसके साइड में ऐसा है, प्रेम प्लस पूर्वक, प्रेम पूर्वक, इसको प्रेम पूर्वक बोलेंगे। ठीक है, अभी हम नीचे चलते हैं। फिर आता है मूल्य और प्रभाव, है ना, मूल्य और
प्रभाव शब्द मूल और भाव शब्दों में क्रमश अ और यहाँ पे लिखा है अ और प्र उपसर्ग लगाकर बने हैं। अ और प्र उपसर्ग लगाकर चार चार शब्द लिखो। तो सबसे पहले हम अ का डिस्कस कर लें। सो अ का दिस इज़ वन, दिस इज़ टू, दिस इज़ थ्री एंड दिस इज़ फोर। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट है अज्ञान। जो अज्ञान है वो किससे बना हुआ है? जो अज्ञान है वो बना हुआ है अज्ञान बना हुआ है अ से। नेक्स्ट इज अवित्र। ठीक है, अवित्र तो ये भी किससे बना हुआ है? अ से। अधम सिंस यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, यहाँ पे अधम। ठीक है, नेक्स्ट इज अदृश्य। ठीक है, तो ये जो है शब्द वो भी अ से बना है। अब हम प की बात करते हैं। ठीक है, प प्रहार प्रचार प्रवेश प्रसर्ग। ठीक है, प्रसर्ग। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द समानार्थक नहीं है उस पर उनके सामने डैश लगाओ। नरेश का यहाँ पे है नरेश, राजा तो यहाँ पे है। फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट का है महेश, नेक्स्ट का है नौकरी, ग पाठ का है बेत उपहार, तो यहाँ पे इसका है इनाम। सॉरी यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, फर्स्ट का है महेश, नेक्स्ट का है नौकरी, इसका है इनाम, समीप यहाँ पे इसका है सामने, सुनहरा सोना यहाँ पे इसका सुनहरा है, काल वक्त यहाँ पे कल है। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट का जो आंसर है वो है कहाँ है। ठीक है, एक बार मैं आपको कहाँ के साथ रीड करके दिखा देती हूँ। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नेक्स्ट इसका ही पाठ है। माँ ने जल्दी चलने को कहा है, ख पाठ। ठीक है, ख पाठ यहाँ पे है, यहाँ पे हमने कहा है और नेक्स्ट वाले का है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है बांदा। उसने अपना सामान बांदा और चला गया। ठीक है, नेक्स्ट है उसके मार्ग को कोई बांदा नहीं आया। ठीक है, ख पाठ ग पाठस उसने एक ही बार में पूरी बात कह दी। नेक्स्ट इज उसने एक ही बार से उसका काम तमाम कर दिया। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसका जो ग्रामर था वो भी डिस्कस कर लिया, इसके प्रश्न उत्तर भी डिस्कस कर लिए। सो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। मैं जानती हूँ आप मेरे चैनल को ऐसे सपोर्ट देते रहेंगे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। फ्रेंड्स ये पार्ट 8 था, पार्ट 9 में मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी, और अगर इसका कोई भी रिमेनिंग पार्ट बचा होगा तो वो भी लेकर आऊँगी। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।